हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीता इन द किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल लज़ानिया, जो एक इटालियन डिश है और रेस्टोरेंट में काफी पॉपुलर है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इसका बहुत सिंपल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। वेजिटेबल लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी शीट बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। इसे मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो बनकर तैयार हो गया। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इसे हल्का गूंद लेंगे और इसके 4 बराबर गोली बना लेंगे। अब इसे ढेर सारा सूखा मैदा लेकर बिल्कुल पतला शीट बना लेंगे। शीट बनाने के लिए मैंने किचन का स्लैब ही यूज किया है, क्योंकि मेरा पैन थोड़ा बड़ा है। शीट का साइज पैन के साइज के बराबर होना चाहिए। हम इसे पैन में रखकर साइज मेजर कर लेंगे। अभी पैन के साइज से छोटा है इसे, इसलिए थोड़ा और मैं बेलूंगी और बड़ा करूंगी। अब परफेक्ट साइज बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही बाकी के 3 शीट भी बना लेंगे। 4 शीट बनकर तैयार हो गया है। अब इस शीट को किसी प्लेट या ऐसे तार की जाली पर रखकर 50 मिनट तक सूखने के लिए रख देंगे। मैंने तार का जाली यूज किया है। तार की जाली पर रखने से दोनों तरफ से हवा लगेगी और शीट जल्दी सूख जाएगा। जब तक शीट सूख रहा है, तब तक वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई गर्म करके 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें 15-20 लहसुन की कलियों को मैंने चॉप कर लिया है, इसे डालेंगे। 30 सेकंड तक इसे पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। 30 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसे भी मिक्स करेंगे। अब वेजिटेबल में मैंने लिया है 200 ग्राम बीन्स, 200 ग्राम गाजर, 2 प्याज। इन सबको फाइनली चॉप कर लिया है। अब इन सबको एक साथ डालेंगे। 100 ग्राम स्वीट कॉर्न भी डालेंगे और अब सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा लाइट ही डालेंगे, क्योंकि सॉस में भी नमक है। अगर आप सब्जी में ज्यादा डालेंगे तो लज़ानिया में ज्यादा नमक हो जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब 10 मिनट तक वेजिटेबल को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए बिना कवर किए फ्राई करेंगे। 10 मिनट में वेजिटेबल में जो पानी छोड़ता है वह सूख जाएगा। देखिए वेजिटेबल रेडी हो गया है। इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब लज़ानिया का शीट भी सूख के तैयार हो गया है। अब फाइनल टॉपिंग करते हैं। अब इसको फाइनल असेंबल करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है व्हाइट सॉस और पिज्जा सॉस, जिसको थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर लिया है, और चीज जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले पैन में डालेंगे पिज्जा सॉस, फिर व्हाइट सॉस। इसे पूरे पैन पर फैला देंगे। अब एक शीट डालेंगे, फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट सॉस, 2 टेबलस्पून पिज्जा सॉस। इसे पूरे शीट पे फैलाएंगे।
उसके ऊपर वेजिटेबल की टॉपिंग करेंगे। फिर चीज की टॉपिंग करेंगे। अब दूसरा शीट भी ऐसे ही डालेंगे, उसके ऊपर सॉस डालेंगे। जैसे मैंने पहला शीट तैयार किया था, टॉपिंग किया था, उसके ऊपर लेयर बनाया था, वैसा ही लेयर इसके ऊपर भी बना लेंगे। ऐसे बाकी सभी तीनों शीट की लेयरिंग कर लेंगे। सबसे लास्ट में जो चौथा शीट है उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। अब गैस ऑन कर देंगे, गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे, नहीं तो नीचे से लज़ानिया जल जाएगा। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने से जल्दी बन जाता है। 10 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे। देखिए चीज मेल्ट हो गया है। अब इसे स्पैचुला या स्पून की हेल्प से एक बराबर पूरे लज़ानिया पे फैला देंगे। इससे कलर भी बड़ा अच्छा आता है और जल्दी बनके रेडी हो जाता है। इसके बाद फिर इसे हम 3 मिनट के लिए कवर करके फिर से पकाएंगे। 3 मिनट हो चुका है। अब अपना लज़ानिया परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारा मजेदार लज़ानिया रेडी हो चुका है। देखिए कितना मजेदार दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।